हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस। हियर वी हैव टू गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां पर देखो आपके पास चार कंपाउंड दिए गए हैं और आपको हर कंपाउंड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब बताने हैं। तो यहां पर मैं एक टेबल बना लेता हूं, आप बिना टेबल के भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पर एक टेबल बना के बता देता हूं आपको, कंपाउंड हम यहां पर लिखेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि अगर केमिकल फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है ये बताना। तो सबसे पहली बात करते हैं हम क्विक लाइम। तो क्विक लाइम मींस लाइम एक तरीके से, मींस जिसको हम हिंदी में चूना बोलते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। तो आप देखो यहां पर आपके पास दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन क्विक लाइम। नाउ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है HBr। तो अब यहां पर आप देखो एलिमेंट कौन कौन से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एक है H और एक है Br, मींस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नाउ कमिंग टू द पार्ट सी, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ये हमारे घरों में काफी यूज होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। तो यहां पर देखिए आप काफी सारे यहां पर आपके पास एलिमेंट्स होंगे इसमें, जैसे Na मींस सोडियम, H मींस हाइड्रोजन, C मींस कार्बन एंड O मींस ऑक्सीजन। तो यहां पर उन सभी को लिख देते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये आपके पास एलिमेंट हो जाएंगे बेकिंग पाउडर में। इन द एंड वी आर गिवन द कंपाउंड पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का हम सबसे पहले यहां पर केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। तो देखो K मींस पोटेशियम, तो ये एक एलिमेंट हो गया। S मींस सल्फर, सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पोटेशियम सल्फेट एंड O मींस ऑक्सीजन। दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पोटेशियम सल्फेट।